हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पिता के सपने को उसके वही बेटे जोगेंद्र सिंह चौहान व राजेंद्र सिंह चौहान साकार आज किया है। बाड़मेर थार नगरी, जिनमें जज्बा हो पिता के पद चिन्हों पर चलने का, ऐसा ही कुछ नजर आया भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे सरहदी बाड़मेर में। सरहदी बाड़मेर में दो भाइयों जोगेंद्र सिंह चौहान व राजेंद्र सिंह चौहान ने अपने पिता के सपने को साकार करने के लिए सैकड़ों लोगों को देवभूमि हरिद्वार की यात्रा के लिए गुरुवार को खास ट्रेन से रवाना हुए। बाड़मेर के दो भाइयों जोगेंद्र सिंह व राजेंद्र सिंह चौहान ने अपने गांव के साथ आसपास के गांव के सैकड़ों लोगों को इस यात्रा में शामिल किया। जब अलमस्त सुबह खास ट्रेन देवभूमि पहुंची, लोगों का उत्साह देखते बनता नजर आया। एक पिता के सपने को साकार करने का दो जोगेंद्र सिंह व राजेंद्र सिंह चौहान भाइयों का मानस जो धरा पर उतरता नजर आया। दरअसल बाड़मेर के उगमी तन सिंह चौहान ने अपने गांव के लोगों को ऋषिकेश और हरिद्वार की यात्रा करवाने की बात कही थी, लेकिन चौहान अपनी बात को पूरा करने से पहले दुनिया से विदा ले गए। स्वर्गीय तन सिंह चौहान के उस सपने को उनके दोनों बेटों जोगेंद्र सिंह चौहान और राजेंद्र सिंह चौहान ने पूरा करने का बीड़ा उठाया। आज सपना सच हुआ। अपने गांव और आसपास के गांव के लोगों से मंत्रणा करके आज यात्रा हरिद्वार देवभूमि की यात्रा के लिए सैकड़ों लोगों की आरती में उपस्थित रहे। 250 लोगों को हरिद्वार में स्नान किया व शाम आरती में उपस्थित रहे। इस तरह की यात्रा में हिस्सेदार बनकर बेहद रोमांचित रही, यादगार भी। थार नगरी जिला मुख्यालय बाड़मेर से निकला ये जत्था बाड़मेर से बीकानेर चंडीगढ़ होते हुए हरिद्वार पहुंचा। हरिद्वार के बाद आज ऋषिकेश भी इस जत्थे दर्शन करने के बाद पुनः बाड़मेर रवाना होगा। बाड़मेर थार नगरी से दोनों भाई जोगेंद्र सिंह चौहान व राजेंद्र सिंह चौहान ने अपने पिता के सपने को साकार करने के लिए एक साथ एक गांव और उसके आसपास के 250 लोगों की बाड़मेर से हरिद्वार व ऋषिकेश दर्शन लाभ लिया। इस पूरी यात्रा वापसी पर भव्य जागरण का भी आयोजन किया जाएगा। उसने अपने पिता के सपने के पूरा करने जा रहे युवा उगमी जोगेंद्र सिंह चौहान ने बताया, आगामी 15 अप्रैल को उनके पिता की पुण्यतिथि है और पिता का एक अधूरा सपना था जिसे पूरा करने का बीड़ा उठाया है। जोगेंद्र सिंह युवा उद्यमी हरिद्वार के दर्शनों लाभ लेकर आज ऋषिकेश पहुँचे। वहाँ रवाना होकर 10 अप्रैल शाम थार नगरी बाड़मेर पहुँचेंगे। बाड़मेर स्टेशन पर भव्य स्वागत होगा। बाड़मेर शहरवासी व ग्रामीण जन का जन सैलाब उमड़ेगा। ये दोनों भाइयों ने अपने फर्ज निभाया, हरिद्वार व ऋषिकेश का भ्रमण कराकर बाड़मेर लौटेंगे सरहदी। थार नगरी बाड़मेर में ट्रक ड्राइवर से अपनी यात्रा शुरू करने वाले तन सिंह चौहान राजस्थान के सबसे बड़े आयकरदाता रह चुके हैं। बीमारी की वजह से इस दुनिया को अचानक छोड़कर जाने वाले तन सिंह चौहान के दोनों बेटे अपने पिता की समाज सेवा की परिपाठी को लगातार बढ़ाए हुए हैं। शायद यही वजह है कि आज सरहदी बाड़मेर में आज तन सिंह चौहान की ही तरह उनके दोनों बेटे जोगेंद्र सिंह चौहान व राजेंद्र सिंह चौहान समाज सेवा के पद पर अग्रणी नजर आते हैं। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।